विभीषण की बेटी से थर थर क्यों कांपता था रावण, आइए जानते हैं। रावण के सीता का अपहरण करके लंका लाने पर उनके छोटे भाई विभीषण ने इसका विरोध किया था। विभीषण ने इसे रावण के अंत का मार्ग कहा था। श्री राम के वानर सेना लेकर लंका पहुंचने पर भी विभीषण ने ही सीता वापस लौटाने की सलाह दी थी। इससे नाराज होकर रावण ने उन्हें निकाल दिया था। विभीषण से नाराज रावण ने उनका वध नहीं किया। उसने विभीषण को छोटा भाई सोचकर नहीं छोड़ा था, बल्कि उनकी बेटी के डर से ऐसा किया था। कथा कहानियों के मुताबिक राक्षस कुल में विभीषण की बेटी के तौर पर जन्मी त्रिजटा बेहद धार्मिक विचारों की थी और वह बेहद तेजस्वी थी। कथाओं के मुताबिक त्रिजटा के पास विष्णु भगवान की पूजा के कारण इतना पुण्य बल था कि वे अपने तेज से ही रावण को जलाकर खाक कर सकती थी। त्रिजटा ने राम रावण युद्ध की भविष्यवाणी बहुत पहले कर दी थी, साथ ही रावण के वध की भी भविष्यवाणी कर दी थी। त्रिजटा की भविष्यवाणी सुनने के बाद रावण बेहद नाराज हुआ था, लेकिन उसके तपोबल के कारण वह कुछ नहीं कह सका था। त्रिजटा ने ही लंका की अशोक वाटिका में माता सीता का ध्यान रखा था। रामचरितमानस के मुताबिक वह माता सीता की प्रहरी के तौर पर अशोक वाटिका में ही रहती थी। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक त्रिजटा ने माता सीता को अपनी पुत्री मान लिया था। अशोक वाटिका में वे सीता जी को पुत्री कहकर ही बुलाती थी। रामचरितमानस में कहा गया है कि त्रिजटा के डर से ही दूसरी राक्षसियाँ और खुद रावण भी माता सीता को परेशान नहीं करते थे। वे ही माता सीता जी को राम के आने का ढाढ़स बधाती थी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सनातन रहस्य को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे।